हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी आप लोगों को सबसे जो इम्पोर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन होता है, जो बार बार पूछते हैं, झारखंड में 3 न्यू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि होगा, समझे। हजारीबाग, पलामू एंड दुमका में होगा एडमिशन। आप 99% चांसेस हैं होने के। सिर्फ और सिर्फ क्यों नहीं हो रहा, वो पॉलिटिकल इशूज़ है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इशू है, पॉलिटिकल इशू है। बाकी वो सब तो बहाने हैं, वो जितना भी कुछ है कि इतने ये नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, ये वो एक्स वाई जेड, सारा कुछ बहाने हैं। एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए 400 to 300 crore रुपीज़ चाहिए होते हैं इंडिया में, समझे। और बाहर जाओगे, बाहर में ह्यूज अमाउंट लगते हैं, उसके सामने इंडिया कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ का सारा कुछ अलग होता है। यहाँ का जो बॉडी है वो बॉडी बहुत पुराना मिलता है, बहुत हद से ज़्यादा। तो ये जो भी है, तो आप लोग जो सोचते हैं, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बहाना दे करके इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगी, एम्स थोड़ी बना दोगे इतनी जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अभी तो स्टार्ट किए हो, समझे। तब भी हेमंत सोरेन ने बोला है कि 15th of December तक जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ फुलफिल कर देंगे, क्लियर है। जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोफेसर्स के लैबोरेट्री में या कुछ भी, वो सारा कुछ 15th of December तक कर देंगे। पहले बोले थे कि 30th of November तक सारा कुछ हो जाएगा, बाकी अगर कुछ छूट गया होगा वो 15th of December तक हो जाएगा। और इन्होंने फिर से दोबारा लेटर लिखा है NMC को और बोला है कि एडमिशन के लिए परमिशन दे दीजिए, और देना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और कभी नहीं हुआ है कि मेडिकल कॉलेज खोल दो, एक ईयर का एकेडमिक स्टार्ट कर दो और अगले साल उसके जूनियर्स नहीं जाएंगे। ऐसा यार, ये करना सही चीज़ नहीं है। कभी भी किसी को थोड़ा सा कमी भी अगर है ना, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर रोक दोगे तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज है, वो लोग अपना फ़ायदा अपना घाटा देखते हैं। बाकी स्टूडेंट का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या किसी का भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब नहीं है। पिछले ईयर किसी और की गवर्नमेंट थी और अब भी किसी और की गवर्नमेंट है, तो ये टोटली पॉलिटिकल इश्यूज है। और ये सारा कुछ हो जाएगा, 99% चांसेस है कि ये लोग कर लेंगे, जो झारखंड के CM है वो सारा कुछ कर लेंगे, समझे। तो वो बात रहा अब कि सब चीज़ तो हो गया, ऑलमोस्ट काउंसलिंग डन है, तो अब क्या। तो स्पेशल काउंसलिंग हुआ था 2019 में, इस साल भी स्पेशल काउंसलिंग कराया जाएगा, समझे। कुछ ऐसा ही हुआ था 2019 में भी, काउंसलिंग ख़त्म हो चुका था, उसमें तो कुछ चल भी नहीं रहा था। स्टे मैट्रिक्स वगैरह ऑल इंडिया कोटा का था, बाकी सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, फिर भी दोबारा करवाया गया था स्पेशल काउंसलिंग करके, कुछ नाम था उसका। उसी तरीका से इस बार भी हो जाएगा, बट होगा, 99% चांसेस है कि होगा। 1% है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण रुकने का चांसेस है। NMC क्या है, NMC कोई सब गवर्नमेंट ही रूल करता है, नाम के लिए सिर्फ है। CBI, XYZ सिर्फ नाम के लिए, समझे, सारा गवर्नमेंट रूल करता। तो यही है लेटेस्ट अपडेट, यही है। अभी ये थर्सडे को सारा कुछ हुआ है, बात CM ने किया है, झारखंड के CM ने, समझे। तो ये हो जाएगा, ये चांसेस है कि हो जाएगा, बस इतना ही बताना था। तो अब क्वेश्चन मत पूछना कि क्या होगा, आपने बोला था ऐसा वैसा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ भी बोलता हूँ मैं, सोच समझ के बोलता हूँ, ऐसे हवे में नहीं, बट बार बार रिप्लाई करना आपका इम्पॉसिबल होता है, समझे। क्योंकि वीडियोस वगैरह भी नहीं डाल पाता हूँ, जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड, और कोविड से अलग ही रिलेशनशिप बन चुका है। कोविड वॉरियर, सर्वाइवर, कैरियर, सब चीज़ हूँ, सब चीज़ कुछ नहीं रहा बाकी, समझे। तो चलो जो भी है, वैक्सीन बहुत जल्दी आएगा, और इंडिया का वैक्सीन नहीं, मैं किसी और वैक्सीन का बात कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में वैक्सीन जो बना, उस पर थोड़ा सा मुझे उम्मीद है। चाइना भाई साहब वो देंगे नहीं, वो बना चुके हैं बट वो देंगे नहीं, वो ना मांगेंगे ना देंगे, वो सिंपल सी बात है, उनका मालूम है मुझे। बाकी हाँ, जो है वैक्सीन वो ऑक्सफोर्ड का ही है, मे बी फैब तक वो लोग अपना कुछ करें स्टार्ट, ठीक है। और इतना जल्दी सबके पास नहीं आएगा, सबके पास आते आते मे बी 2023 या 2022 का एंड, मतलब अक्टूबर या नवंबर,
समझे, ये टाइम लग जाएगा। और बन गया तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, और रेप्लिकेशन में भी आज वायरस कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा, समझे। तो वो भी वैक्सीन अगर काम कर गया तो सही है। चलो वैक्सीन की बात नहीं, मेन टॉपिक ये था, बस इतना बताना था आपको कि काउंसलिंग होगा, टेंशन फ्री रहो।